बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों रिधिमान साहा बहुत ट्रेंड हो रहा है यार मतलब बेचारा जब से ड्रॉप हो चुका है स्क्वाड से तब से कुछ ठीक नहीं चल रहा है उनके लाइफ में यार एंड यार नंबर वन इज यू यू डू फील यू डू फील फॉर रिधिमान साहा यार ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉंग बट द क्वेश्चन इज इज रिधिमान साहा प्लेन अनलकी द फैक्ट दैट ही हैज बीन ड्रॉपड फ्रॉम द स्क्वाड क्या वो अनलकी है कि उनको ड्रॉप किया गया या फिर क्या उनके पास वो स्किल सेट नहीं आज के तारीख में कि किसॉड में बने रहे और फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बने बट इससे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं रिधिमान शाह जो उनका जो इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ है बिटवीन राहुल ड्राइवेड या सौरभ गांगुली ये सब नहीं रिवील करना चाहिए था मतलब प्रोफेशनली इट डज लुक गुड बट क्या होता है ना एक जिन पर जो बीता है ना उनको ही समझ में आता बता मतलब इतना एंगुश इतना टर्मोइल हुआ होगा उनके साथ इतना मतलब उनको ये हुआ रहेगा डिजेक्शन हुआ रहेगा कि भाई मतलब वो पोर कर दिया उन्होंने जो भी उनके दिल के अंदर था वो पूरा उन्होंने मतलब भड़ास बाहर निकाल दिया वैसा आप बोल सकते हो बट एनी पहले तो रिधिमान शाह मतलब स्कॉड से बाहर क्यों है क्या ये लक फैक्टर है या स्किल फैक्टर है स्किल सेट उतना ज्यादा नहीं है उनके पास उस पर एक नजर डालते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से ना स्किल सेट ही आप बोल सकते हो एज अ विकेट कीपर इज द बेस्ट आई थिंक करंटली इज द बेस्ट विकेट कीपर यार विकेट कीपिंग स्किल्स टॉप क्लास है उनका लेकिन आज के तारीख में द रूल्स ऑफ विकेट कीपिंग ऑफ चेंज इन गेम ऑफ क्रिकेट टुडे अगर आप सिर्फ एक सुपर विकेट कीपर हो वो बल पे आप टीम के अंदर नहीं आ सकते यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रॉर्डनरी बैट्समैन एज वेल एंड आई थिंक ये पहले नहीं था पहले के जमाने में सिर्फ एक अच्छा विकेटकीपर होना आपके लिए अनिवार्य था टीम में आने के लिए बैटिंग वैटिंग ठीक ठाक भी हो आई मीन बैटिंग आप अच्छा कर लोगे तो वो एक प्लस माना जाता था बट इवन इफ यू कुड इन बैट वेल फिर भी ठीक ठाक कोई प्रॉब्लम नहीं था अब चल जाता था आपका सिर्फ विकेट कीपिंग अच्छा होना चाहिए था लेकिन ऑल दीज थिंग्स चेंज आफ्टर वन मैन केम इन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एंड प्लेड धमाकेदार इनिंग्स ऑस्ट्रेलियन कॉल्ड एडम गिलक्रिस्ट उनसे पहले था रोमेश कालुवितर वो भी छोटा छोटा इनिंग्स खेलता था बट तो उतना कंसिस्टेंट नहीं था जो कंसिस्टेंसी के साथ एडम गिलक्रिस्ट ने उनका बैटिंग प्रूव किया यार ऑन क्रिकेट फील्ड उसके बाद तो भाई ये कंपलसरी हो गया कि आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना ही बनना है और इंडिया के कॉन्टेक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे विकेट कीपर्स रहे चाहे नयन मोंगिया हो साबा करीम हो अजय रात्रा हो बहुत सारे यार बट देन इट ऑल चेंज फॉर इंडियन क्रिकेट आफ्टर वन मैन मेड इज डेब्यू यू ऑल नो हु the icy cool, the man with a oh, 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 with an aura like no one else, Mahendra Singh Dhoni. उनके आने के बाद और उनका जो kind of innings जो उन्होंने खेला opposite Pakistan हो opposite Sri Lanka हो जो centuries उन्होंने बनाया उसके बाद तो भाई ये mandatory हो गया कि अगर आपको wicket keeper बनना है इंडिया में और इंडियन टीम में एज अ विकेट कीपर एंट्री मारना है तो भाई आपको एक सुपर रियली धमाकेदार बैट्समैन होना ही होना पड़ेगा ये मैंडेटरी हो गया तो उसके बाद जो भी विकेट कीपर्स को हमने चुना है तो उन उनका बैटिंग को हम मद्देनजर रख के रखेक्शन किया लाइक ऋषभ पंत हो अभी या फिर ईशान किशन हो अभी संजू सैमसन हो सो वेट इज रिधिमान साहा स्टैंड

एंड ईशान किशन ईशान किशन हो संजू सैमसन हो बैटिंग वाइज उनके क्लास में नहीं है रिधिमान सा सिर्फ कीपिंग अच्छा है उनका तो बिकॉज नाउ द रूल्स ऑफ हैव चेंज लाइक आई सेड रिधिमान साहा का बैटिंग उतना सुपर्ब नहीं है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता एंड प्लस एज भी उनके साइड में नहीं है सो आई थिंक वो सेम वो सेम चीज है यार वो बैटिंग वाला स्किल उनके पास है नहीं वैसा जैसा ऋषभ पंत के पास है या धोनी के पास था एडम you गिलक्रिस्ट know, के पास था जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया तो अभी आई थिंक रिधिमान शाह विल है एंड दूसरा एक चीज जो वो मतलब जर्नलिस्ट ने जो उनके साथ किया जो वो मैसेज वेसेज भेजा I mean, किस हक से भेजा क्या सोच के भेजा यार सो देट वॉज एप्सोल्यूटली रॉन्ग एंड आई थिंक रिधिमान शाह नेम दर्नलिस्ट यार सभी लोगों को पता तो चले भाई ये कौन है ये कौन है ये भाई साहब या जो भी है I don't know, भाई साहब है 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 या कौन बट वी नीड टू नो दैट जर्नलिस्ट इज एस सिंपल एज दैट एनी दोस्तों आपका टेक रिद्धिमान साहब पर लिख कर बताना क्या आपके हिसाब से लैक ऑफ बैटिंग स्किल की वजह से वो बाहर हुआ है या फिर लक के वजह से वो बाहर हुआ अनलकी है कि नहीं जो भी आपका टेक है लिख कर बताओ चलिए फॉर द मोमेंट टाटा